सॉरी, आपसे वैसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, बट फाइनली वीडियो आ चुका है, तो आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए। आइंदा से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ, पर ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड भी नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली वीडियो आ चुका है, आप लोग देखो, इंजॉय करो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। गुड मॉर्निंग, तो अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो दौड़ा लेके रख के उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो छठ घाट तक हम लोग दौरा को ऐसे ले जाते हैं ठेले पे करके, क्योंकि हमारे घर से छठ घाट जो है वो काफ़ी दूर है, तो सर पे रख के ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ठेले से ही ले जाते हैं। और घर देख कितना खूबसूरत लग रहा है, दीपावली में सजा था। एवरीवन, कैसे हो सारे? सर आई होप सारे एकदम मस्त हो गए। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे दिन के आज सुबह अर्घ है, तो बहुत लेट हो चुके हैं। अभी हम लोग घाट पे जा रहे हैं और हमारा जो ठेला है जिसपे हम लोग दौड़ा ले जाते हैं वो आ चुका है, तो हम लोग चलते चलते आप लोगों से बातें करेंगे और घाट का जो व्यू होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। आई होप कि आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, तो आप लोग इंजॉय कीजिए और हम भी अपना इंजॉय करते। सुबह का टाइम था और थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा था, इसलिए मैंने डेली पहन रखा था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जगदम्बा स्थान के पास और आप लोग को भगवान कार्तिक का प्रतिमा दिखाते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है। तो ये रहे भगवान कार्तिक, कितना अच्छा से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डेकोरेट किया गया है। और ये हसार का जगदम्बा स्थान का जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये है जगदम्बा स्थान का। अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा रोड खाली है, मतलब कोई गाड़ी नहीं चल रहा है, और यहाँ पे सुबह सुबह ही लोग जाते हैं घाट पे, क्योंकि कोई और ताकि दौड़ा ना रख दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत कम लोग आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, मतलब हम ही लोग हैं वैसे तो ऑफकोर्स, और घाट पे तो आप लोग को दिखाएंगे कितना ज़्यादा आ चुके हैं पहले। 5 minutes later तो हम लोग पहुँच चुके हैं घाट के पास, दौड़ा जो है वो घाट किनारे रख लेंगे और फिर घूमेंगे फिरेंगे और आप लोग को व्लॉग दिखाएंगे, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। और ये जो व्यू है आप लोग कल भी देखे होंगे, पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा आई थिंक, और पता नहीं वीडियो आप लोग कैसा दिखता है, बट सामने से बहुत अच्छा दिखता है नज़ारा जो ये है। तो घाट का नज़ारा कुछ इस तरह का है जो आप लोग को अभी दिखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है अभी रात को लाइटिंग के कारण। तो हम लोग घाट किनारे पहुंच चुके हैं और जो भी दौड़ा है हमारा वो अब उतरेगा रखाएगा, और जो भी सूप है उसको सही से अरेंज करेंगे ताकि पूजा हो सके। तो देख सकते हैं पहुंच चुके हैं घाट किनारे, ये रहा हम लोगों का घाट और यहाँ पे हमारा ठेला आ चुका है। हम लोग पहुँचते ही अपने अपने दौड़े को सर पर उठा करके और अपने घाट के पास रख दिए, जो कि हमारा घाट एकदम करीब ही था, अगर हम लोग घर से उठा करके लाते तब तो पॉसिबल ही नहीं था, वैसे जो लाने वाले होंगे वो लाते ही होंगे, बट काफ़ी दूर है, आई थिंक 2 किलोमीटर है हम यहाँ से हमारा घर, तो लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग ठेला के जरिए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से बस अपने घाट पे जो दौड़ा था वो सर पे उठा करके रख लिए। दौड़ा को रखने के बाद हम लोग जो भी दौड़ा का जो सूप था फल फूल था वो सब अच्छे तरह से अरेंज करके रखने लगे, ताकि जब अर्घ हो तो पूजा करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई सामान अगर देना हो सूर्योदय के समय पूजा करते समय तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी अरेंज कर लिए। और जो भी हम लोग का दौरा था वो रख चुके हैं और अभी से हम लोग घूमेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, काफ़ी प्यारा लगेगा। और आज अंतिम दिन है छठ पूजा का, बहुत ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते कैसा फील हो रहा है, लगता है कि हम लोग का कुछ खो रहा है, जैसे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग का आज ख़त्म हो जाएगा, मतलब बहुत दिन से इंतजार था छठ पूजा का और छठ पूजा आया भी और चला भी गया, आज लास्ट डे है। तो आप लोग को जितना भी एक्सप्लोर करेंगे आप लोग को वीडियो दिखाएंगे, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे। तो ठीक है, वीडियो को आप लोग इंजॉय कीजिए और हम लोग भी आज इंजॉय करते हैं लास्ट डे। सुबह का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और लाइट के कारण इतना अच्छा रिफ्लेक्शन पेड़ पौधे पे पड़ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत प्यारा से व्यू लग रहा था। तो आई होप आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख लिए होंगे, बहुत मुश्किल से वो रिकॉर्ड हो पाया था, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद एडिट भी करना था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 50% मैंने
दिन में ही एडिट कर लिया था और जो 50% बचा वो रात को मैंने एडिट करके आप लोग के लिए अपलोड कर दिया। आई होप कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। और अभी मैंने जो आप लोगों को क्लिप दिखाया है बहुत मस्त लग रहा है सामने से देखने में, तो पता नहीं आप लोगों को वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, पर जो एक्सपीरियंस सामने का होता है वो मतलब वीडियो में नहीं दिखता है। इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हमारे यूपी बिहार झारखंड के लोग अपने जॉब तक को छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस छठी मैया का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करना है सबके साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पे घाट का जो व्यू देखने में लगता है ना, मतलब इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई डेकोरेशन नहीं हो सकता, मतलब छठ पूजा हमारे लिए तो प्यार है। 5 minutes later. अभी हम लोग फूल घाट जा रहे हैं, हमें पता चला कि वहाँ का डेकोरेशन बहुत प्यारा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज लास्ट दिन है तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है घूमना घूम लिया जाए और आप लोग को दिखा दिया जाए। तो अभी हम लोग फूल घाट सोनपुर जा रहे हैं और वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ तो बहुत इंजॉय किए और वहाँ भी आप लोग को बहुत मस्त मस्त वीडियो शूट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, हम लोग भी घूमेंगे। तो हम लोग फूल घाट के पास पहुँच चुके हैं और ये एंट्री गेट है, इस तरह का एंट्री गेट है और बहुत अच्छे से मैनेज है यहाँ पे। हम लोग अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का। ये जितना भी डेकोरेशन आप लोग को दिख रहा है ये सब जो नगर निगम वाले हैं वो करवा रखे हैं, कोई पर्सनल अपना पैसा खर्च करके ये सब नहीं बना रखा है। इस घाट का जो डेकोरेशन है बहुत प्यारा है और ये जो हमारा छठ पूजा धूमधाम से शायद 2 साल बाद मनाया जा रहा है इतने मतलब धूमधाम से, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे इतने अच्छे से। तो अभी आप लोग जो देखें वो फूल घाट का नज़ारा था कुछ इस तरह का, और अभी तो स्टार्ट ही हुआ ब्लॉग, अभी तो और भी आप लोग को दिखाएंगे इंटरेस्टिंग आप लोग को वीडियोस दिखाएंगे, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। हम लोग नीचे देख फिर सोचे क्यों ना ऊपर का व्यू आप लोग को दिखा जाए, तो ऊपर का व्यू कुछ इस तरह से है, मतलब ऊपर से हमने वीडियो शूट करा है तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है ऊपर से, तो नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत है। मतलब हाजीपुर में मेरा जो गांव है वहाँ पे इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता है, पर हाजीपुर बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फूल घाट का कुछ इस तरह का व्यू था, बहुत मज़ा आ रहा था मतलब यहाँ देखने में। हम लोग के तंगौल घाट से तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का सजावट। रात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब अंधेरा रहेगा तो वाइड एंगल काम ही नहीं करता सही से, इसलिए रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए क्रॉप ज़्यादातर आ रहा होगा। और यहाँ पर हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए, बहुत मस्त यहाँ का डेकोरेशन है, आप लोग को देख के डिफरेंस पता चल ही गया होगा हम लोग का तंगौल घाट और यहाँ का फूल घाट में। तो अब हम लोग तंगौल घाट पे जा रहे हैं और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। तो हम लोग फूल घाट से निकल चुके हैं और अब हम लोग तंगौल घाट जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। शायद आप लोग को साउंड अच्छा से नहीं आ रहा होगा क्योंकि साउंड बाजे वाले का आ रहा है, तो इसलिए घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला कि कम सारा टाइम हमारा बीत गया और सुबह का अर्घ भी होने लगा और सब पानी में चली गई और इंतज़ार कर रही थी सूर्य भगवान का उदय होने का, और कुछ ही देर बाद भगवान उदय हुआ और पूजा हमारा समाप्त हुआ और सब कोई अपना अपना जो दौड़ा था वो लेकर के घर के लिए रवाना हो गया। और आप सभी को दिल से ढेर सारा थैंक यू यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। ही मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और जाके फॉलो कर सकते हैं।